नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अपने इस वीडियो में आज मैं आपको प्रॉपर्टी से संबंधित एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके ना होने पर वर्तमान समय में अब अधिकतर बैंक होम लोन नहीं देते। इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी ऑनर की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक सदस्यों द्वारा बनवाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं SMC अर्थात सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की, जिसे हिंदी में स्वामित्व प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। यह SMC क्या होता है, क्यों और किस लिए बनवाया जाता है, इसे बनवाने के क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या खर्च आता है, इसे बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कहां आवेदन किया जा सकता है और कौन आवेदन कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, क्या इसे रद्द यानी खारिज भी किया जा सकता है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में सब बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे निवेदन कि मेरी इस छोटी सी वीडियो को कृपया आखिरी तक आप जरूर देखें। For property related videos, subscribe to the channel Property Tips by Gireesh Sharma. SMC अर्थात सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, यह कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले से ही इसे डिसीज्ड पर्सन अर्थात किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अगर उस मृत व्यक्ति ने अपनी कोई वसीयत अर्थात विल नहीं बनाई हो या किसी को नॉमिनी ना बनाया हो, तो उस मृत व्यक्ति के परिजन कुछ छोटे बड़े सरकारी डिपार्टमेंट के कामों के लिए, जैसे कि बैंक में रखा रुपया या लॉकर में रखे सामान और अन्य चीजों पर क्लेम, पेंशन, ग्रेचुटी से रिलेटेड या सर्विस बेनिफिट, या फिर उस मृत परिजन के व्हीकल को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना और इसी तरह के कुछ अन्य कामों के लिए इसे बनवाया जाता था। अब तक इसे अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसी बनवाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट सेक्टर में सेल परचेज को लेकर बैंकों से होम लोन लेते वक्त SMC अर्थात सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट को अधिकतर सरकारी और बड़े प्राइवेट बैंकों ने इसे कंपलसरी कर दिया। अब यह सभी बैंक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उस प्रॉपर्टी के पेपर्स की सीक्वेंस में यदि कोई डेथ केस हो तो SMC के बिना वह होम लोन सैंक्शन नहीं करते। बैंक चाहे तो होम लोन सैंक्शन करते वक्त आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी मांग कर सकता है। दरअसल अधिकतर लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट और सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि दोनों सर्टिफिकेट का मतलब मृत व्यक्ति के परिवारजनों की पहचान को सरकारी तौर पर उसे बताना ही होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत फर्क है। सक्सेशन सर्टिफिकेट की जहां तक बात है, इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सिर्फ SMC यानी सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के बारे में ही बता रहा हूं। दोस्तों, SMC अर्थात सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है, जिससे सिर्फ यह पता चलता है कि फलां मृत व्यक्ति की उसकी मृत्यु के बाद और कितने पारिवारिक सदस्य जीवित हैं, जिनसे कि उस मृत व्यक्ति का ब्लड रिलेशन था और उनसे उसका क्या संबंध था। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको किसी सिविल कोर्ट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, या कहें कि किसी जुडिशियल कोर्ट द्वारा भी इसे इशू नहीं किया जाता, बल्कि जहां उस मृत व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति हो, वहां का राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल अथॉरिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट यानी कि SDM लेवल के अधिकारी ही इसे इशू करते हैं, जिसमें वह सर्टिफाई करते हैं कि केवल यही लोग उस मृत व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य हैं। हमारे भारत देश में भी कई ऐसे दूर दराज के कुछ गांव हैं जहां ग्राम पंचायत को भी सरकार द्वारा इस सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर दे रखी। हालांकि यह SMC सर्टिफिकेट रिवोकेबल होता है, यानी कि इसे खारिज भी किया जा सकता है और इसे चैलेंज भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मृत व्यक्ति का कोई भी पारिवारिक सदस्य जिससे उसका ब्लड रिलेशन हो, वह SMC अर्थात सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसे ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करें, उसे फिल करके अपने एरिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ उस फॉर्म को आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ना कराना चाहें तो अपने एरिया के रेवेन्यू ऑफिस से भी आप इस फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक इसे बनवाने का सवाल है, तो इसे बनवाने के लिए आप किसी अच्छे डॉक्यूमेंट राइटर या किसी अच्छे एडवोकेट की भी मदद ले सकते हैं।
सभी पेपर्स और सभी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद रेवेन्यू ऑफिस द्वारा उस व्यक्ति के बारे में सारी इंक्वायरी की जाती है। अगर उन्हें सब ठीक लगता है तो फिर लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपको SMC सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यदि सभी पेपर सबमिट करवाने के 3 महीने तक भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको SMC इशू नहीं किया जाता तो आप कलेक्टर या फिर असिस्टेंट कलेक्टर को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं या इसके लिए कोर्ट केस भी फाइल किया जा सकता है। जहां तक फीस का सवाल है तो इसके लिए सरकारी तौर पर तो नाम मात्र की फीस होती है, लेकिन जहां बात आ जाती है जल्दी और बिना किसी सर दर्द के SMC सर्टिफिकेट इशू करवाने की, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको अलग से उसकी फीस अदा करनी होगी। अब बात आती है कि इस सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ती है या कहें कि कौन कौन से पेपर्स जमा करवाने पड़ते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उस मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, उसका आधार कार्ड, पैन नंबर, उस मृत व्यक्ति के सभी लीगल हेयर्स की पूरी डिटेल, उनके द्वारा सेल्फ अटेस्ट किए हुए आधार कार्ड और पैन नंबर की फोटोकॉपी, सभी परिवारजनों की एक एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके साथ ही जो पारिवारिक व्यक्ति SMC के लिए अप्लाई कर रहा है उसे नोटरी अटेस्टेड एक एफिडेविट और एक अंडरटेकिंग देना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि इन इनके अलावा उस मृत व्यक्ति का कोई और पारिवारिक सदस्य नहीं है, और यदि वह मृत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या अधिकारी था तो उसके ऑफिस से एक लेटर भी इशू करवाना होगा कि फला व्यक्ति उस ऑफिस में इस पोस्ट पर कार्यरत था। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के बारे में मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप इस विषय में कुछ और पूछना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में मैं ना बता पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ भी इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन लोगों को इस जानकारी की सही मायने में जरूरत है उन तक इसे शेयर भी जरूर करें। और हाँ, जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी मित्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे इजाजत दे, जल्दी रियल एस्टेट से जुड़े एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपनी नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सात श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना गिरीश शर्मा।